दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहे थे, अगर आपका सेशन 2021 से 24 था, तो आप सभी छात्रों के लिए एक अच्छा गुड न्यूज है कि आप लोग का जो डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो जल्द ही एक सप्ताह के अंदर जारी किया जाएगा, जिसमें आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको कौन सा ऑनर्स पेपर आपका हुआ, जो भी ऑनर्स पेपर से आप लोग एडमिशन लिए होंगे तो उसमें दो आपका ऑनर्स पेपर होगा, सब्सिडी पेपर होगा, कंपोजिशन पेपर होगा, जो कि काफ़ी सारे छात्रों को पहले पता नहीं चल पाता था कि उनका कौन सा सब्जेक्ट है, तो वो अब पहला नंबर तो पता चल जाएगा। दूसरी नंबर, जो आप लोग का किसी भी प्रकार की गलतियाँ होगी वो सारा चीज़ आप सुधार करवा सकते हैं, जो कि आपके अपने महाविद्यालय लेवल पर ही सुधार कराया जाएगा, यानी आपके कॉलेज में ही सुधार होगा। तो आप लोग को अगर किसी भी प्रकार की सुधार करवाना होगा तो ये डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड जल्द ही एक सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, और जारी होने के बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो या गलतियां हो या कुछ भी हो, आप अपने महाविद्यालय से कॉन्टैक्ट करेंगे और आपका वहां पे सलूशन हो जाएगा। लेकिन आप लोग का कोटी यानी कैटेगरी जो होगा गलत, उनका कैटेगरी सही नहीं होगा, तो इसलिए मत परेशान होइएगा कि कैटेगरी मेरा कैसे सही होगा, यह मैं पहले इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग का डम्मी पंजीयन यानी डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जाएगा जल्द ही एक सप्ताह के अंदर, बताया गया कि जारी हो जाएगा, तो जैसे होगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे अगले सप्ताह के बारे में बात किया गया है, यानी कहने का मतलब इस महीना नहीं, अगले महीना तक आ सकता है। तो डाउनलोड कैसे करना है वो आने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, जो कि ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे डाउनलोड करना है और सारा चीज़ अपना मिला लेना है कि सही है या नहीं, और जो भी गलतियाँ होगी वो अपने महाविद्यालय से जाके करेक्शन करवा लेना है, फिर आपको अपने महाविद्यालय में सारे डॉक्यूमेंट के साथ उसे सबमिट कर देना है। वैसे आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा जल्दी मैं आपको अपडेट करूँगा। और आप सभी छात्र भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पार्ट वन का जो रिजल्ट है वो अगले महीने प्रकाशित होने की उम्मीद बताई जा रही है, तो आप लोग भी परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पार्ट वन वाले छात्र एवं पार्ट थ्री वाले छात्र दोनों का परीक्षा जो है एक साथ ही लेने की बात चल रही है, जैसे कि पिछले बार लिया गया था। तो इसलिए आप लोग अपने मार्केट से रेखा प्रकाशन का केस पेपर परचेज कीजिए, या नहीं तो VVI प्रीवियस ईयर का गेस क्वेश्चन देखिए, और साथ ही VVI गेस क्वेश्चन देखिए, जो कि हमने अपने वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया है VVI गेस क्वेश्चन, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग प्रीवियस ईयर के 4 साल से पहले के क्वेश्चन उठाइए, यानी 2017 का उठाइए, 2018, 2019, 2020 और 2021, ये 5 साल का क्वेश्चन उठाइए और उसमें से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग का ऑनर्स पेपर 1 और 2 ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाइए अपने मार्केट से पता कीजिए, हो सके तो गैस पेपर परचेज कीजिए, या नहीं तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, और VVI गैस क्वेश्चन के लिए आप हमारे वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग परीक्षा की तैयारी कीजिए, जल्द ही आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आता है आपकी परीक्षा के रिगार्डिंग वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।